राग केदार, ठाट कल्याण, दोनों मध्यमों का प्रयोग, ये की नोट्स हैं, सामा ये लगाते ही साथ केदार स्पष्ट रूप से सामने आता है, रे और ग ये दोनों वर्जित हैं, और आते समय मतलब अवरोहम अवराहात्मक रूप से गंधार को हम अवॉइड करते हैं तो या दुर्बल हो जाता है, वक्र रूप से लिया जाता है, या हम इसे मध्यम से ढक देते हैं। तो इसीलिए इसकी जाति जो है वो औडव शाडव मानी गई है, जाते समय दो आते समय एक, ऐसे स्वर वर्जित हैं। तीव्र मध्यम आरोहात्मक, और अवरोहात्मक जब अवरोह आएगा तो शुद्ध मध्यम, कभी कभी दोनों मध्यम का एक साथ प्रयोग भी होता है, मा प वो भी प्रयोग चलता है। इसमें हमें कुछ प्रिकॉशन लेने हैं, जैसे अब ढका हुआ का मतलब ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लेना है, डायरेक्ट लेंगे तो ये बिलावल दिखाई देगा, मगर ऐसा ये बिलावल का प्रकार है, तो इसको कैसे लेते हैं, ग म रे सा ग म रे सा। अब ग म रे सा तक तो ठीक है, ग म प ग म रे सा, ये ग म प अगर आपने उसमें अटैच कर दिया तो ये कामोद अंग हो जाएगा, तो कामोद अंग नहीं होना चाहिए, ग म रे सा चलेगा, ग म प ग म रे सा नहीं चलेगा, सा इसका आरोह अवरोह और पकड़ देखते हैं, सा म प, थोड़ा स्वर विस्तार। स्वर विस्तार मतलब केदार राग के मतलब जो रागात्मक स्वर हैं उनमें जब हम कुछ विस्तार करते हैं, सुरों को लेते हैं, तो उसे स्वर विस्तार ऐसा कहते हैं, समा मध्यम का प्रयोग कई बार हुआ है। इसका वादी स्वर मध्यम है, संवादी षड्ज सा, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर, सा प
छोटा ख्याल, मध्य लय, त्रिताल, नवी मात्रा से प्रारंभ। चलिए सब
एक सुनिए। केदार, और भी राग हैं जो मनमोहक हैं, उन्हें अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपसे पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।